तो सरकार को भी हटाना है, तो अब संघर्ष चलेगा। समाजवादी पार्टी के लोग अब सड़कों पर संघर्ष छेड़ेंगे। कानून व्यवस्था है ही नहीं, ये सरकार इतनी भ्रष्ट सरकार है, इतनी भ्रष्ट सरकार है, पूरी तरह से खुली लूट है इस सरकार में। कानपुर पहुंचे सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हुए थे शिवपाल सिंह यादव कानपुर। शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर बोला जुबानी हमला। योगी सरकार में विपक्ष के नेताओं की नहीं हो रही है सुनवाई। जनप्रतिनिधियों को झूठे मुकदमे करके प्रताड़ित करने का काम कर रही है सरकार। शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार कहा। अधिकारियों के भरोसे चल रहा है प्रदेश। सरकार की नीतियों के खिलाफ सपा सड़क पर उतरकर करेगी संघर्ष। निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने का लगाया आरोप। प्रदेश में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त, प्रदेश में हो रही है खुली लूट। शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है, क्या कुछ कहते हैं सपा के नेता शिवपाल सिंह यादव, आइए हम आपको भी दिखाते हैं उन्हीं की जुबानी। नारद रिटर्न न्यूज पर। देखिए, पहले तो काजल किरण जी का जन्मदिन है, तो काजल जी को जन्मदिन की बधाई। और दूसरा गृह प्रवेश है, तो दोनों के जन्मदिन की और गृह प्रवेश की बधाई। और फिर नया वर्ष आने वाला है, तो नया वर्ष काजल जी को और हमारे सभी साथियों को अच्छा हो, शुभ हो, ये हमारी आज शुभकामनाएं हैं। देखिए, हमारी भी सरकार रही 4 बार इस प्रदेश में, हमारी भी सरकार रही, कभी भी विपक्ष पर हमला नहीं हुआ है, सम्मान हुआ है, उनकी बात सुनी गई है। ये पहली सरकार है विपक्ष की कोई बात सुनती नहीं है, केवल उत्पीड़न, झूठे मुकदमे लिखा लिखा कर जनप्रतिनिधियों को परेशान करना, जेल में डालना। तो इस सरकार और ये सरकार सबसे भ्रष्टम सरकार है इस समय, पूरा प्रदेश अधिकारियों पर छोड़ दिया है। अब हम लोग देखे समाजवादी पार्टी के लोग सब लोग मिल करके अब संघर्ष सड़कों पर होगा। और केवल इस सरकार को सबसे पहले तो जो चुनाव अभी स्थानीय निकाय के चुनाव में जो आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, तो देखिए आरक्षण को बचाना है, तो ये संघर्ष अब छेड़ेंगे। और आरक्षण को बचाना है और भ्रष्टाचार, ये सरकार इतना उत्तर प्रदेश में है, तो सरकार को भी हटाना है, तो अब संघर्ष चलेगा। समाजवादी पार्टी के लोग अब सड़कों पर संघर्ष छेड़ेंगे। ये सत्याग्रह अब शुरुआत है, अब नए वर्ष में सड़कों पर संघर्ष समाजवादी पार्टी छेड़ेगी। कानून व्यवस्था क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था है ही नहीं, ये सरकार इतनी भ्रष्ट सरकार है, इतनी भ्रष्ट सरकार है, पूरी तरह से खुली लूट है इस सरकार में। और पूरा के पूरा अधिकारियों पर छोड़ दिया है पूरा प्रदेश।